हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मज़र। आपको पता तो होगा ही कि कंप्यूटर पर अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक NIC कार्ड की, या हमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस या NIC कार्ड की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मोबाइल के ज़रिए, आपके मोबाइल पर इंटरनेट बंडल बस लगा होना चाहिए या आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तो आप इजीली अपने PC पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो के जाने बढ़ने से पहले यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा देना और साथ ही बेल आ जाएगी, बेल पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर ऑलराइट गाइस, अब हमने लेनी है एक डाटा केबल। डाटा केबल वो वाली लेनी है जो कि आपके मोबाइल के डिब्बे में से निकली हो, वो वाली डाटा केबल नहीं ले लेनी जो कि आपने लोकल बाज़ार से 50 रुपये की ख़रीदी हो, वो वाली बिल्कुल नहीं लेनी। आपकी ओरिजिनल डाटा केबल होनी चाहिए जो कि मोबाइल के डिब्बे में से निकली हो। उसको आपने एक साइड से अपने PC के साथ कनेक्ट कर लेना है और दूसरी साइड से आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कि अभी इंटरनेट कनेक्शन कोई भी नहीं है मेरे PC पर। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी इंटरनेट कनेक्शन इधर नहीं है अभी, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपने मोबाइल पर आ जाना है। मोबाइल पर आने के बाद आपने अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है, अपनी नहीं यार, मोबाइल की। तो इसके बाद इधर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप वीवो के यूज़र हैं तो आपने सेम यही स्टेप करने हैं। अगर आप और किसी ब्रांड के यूज़र हैं तो मैं आपको बताता हूँ वीवो के यूज़र ने क्या करना है। इधर पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाना है, इसके बाद अदर शेयरिंग मोड पर जाना है और इसके बाद शेयरिंग फ़ोन नेटवर्क वाया USB इसको कर देने हैं ऑन, ठीक है। इसको हमने कर दिया ऑन। अगर आप किसी और ब्रांड के यूज़र हैं तो अब जैसे ही आप अपनी सेटिंग को ओपन करेंगे इधर एक ऑप्शन आ जाता है जहां पर OTG लिखा हुआ है ना, इसी के आलमोस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है कि अदर शेयरिंग नेटवर्क या फ़ोन शेयरिंग नेटवर्क, इस तरह का कोई ऑप्शन आता है। वहाँ पर जाकर आप इस सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी इसको सर्च कर लें अपनी सेटिंग में तो आपने सिंपली इसको ऑन कर लेना है। शेयर फोन नेटवर्क वाया USB को आपने सिंपली ढूंढ कर जहाँ से मर्जी ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन कर लिया, अब आ जाए अपने PC पर। ये देखें जी, हमारा अभी जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड हो चुका है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इधर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना तो वाईफाई का है और ना ही ईथरनेट केबल का है, लेकिन अभी ये कनेक्टेड आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपके मोबाइल में कोई भी डाटा बंडल लगा होना चाहिए, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए या आपकी वाईफाई ऑन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वाईफाई भी बंद करके और इंटरनेट भी बंद करके आप इस तरह सारा स्टेप करें और मुझे कहें कि यार इंटरनेट तो चला ही नहीं। आपके मोबाइल में वाईफाई या डाटा ऑन होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि ठीक है जी, हमने किया YouTube सर्च, तो आप इधर देख सकते हैं कि YouTube फाइनली आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा इंटरनेट चल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यार आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप लाजमी कर देना, और वीडियो ऐसे ही देखने के लिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए यार पड़ी होंगी यार उधर से, सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pull out the coupe at the light.